दिवाली बस आने वाली है और हम नए नए नाश्ते की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो आज मैं लाई हूँ एक और लाजवाब नाश्ते की रेसिपी, जिसे आप पहले से बनाकर फ्रीज कर सकते हैं और दिवाली के दिन अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और हमारे घर में पड़े हुए सामान से बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाते हैं फ्राइड मोमोज। सबसे पहले हम एक बाउल में मैदा लेंगे और इसके साथ स्वाद अनुसार नमक, बेकिंग पाउडर और तेल डाल लेंगे। इन सब चीजों को तब तक मिलाएं जब तक कि ये ब्रेड क्रम्स जैसा ना दिखे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक स्मूथ डो बना लेंगे। हमारे फ्राइड मोमोज का डो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। एक पैन में तेल गरम करें और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उसे एक मिनट तक लो फ्लेम पर भून लें। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और उसे सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और किसा हुआ गाजर। जैसे ही शिमला मिर्च हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर ले। अब बारी है स्वाद अनुसार नमक और काली मिर्च का पाउडर डालने की। मोमोज के स्टफिंग का टेस्ट और बढ़ाने के लिए हम डालेंगे इसमें सोया सॉस और ग्रीन चिली सॉस। सॉस डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। हमारे मोमोज की स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। अब हम आंच को बंद कर देंगे। चलिए अब डो को चेक कर लेते हैं। डो को दोबारा से थोड़ा गूंथ लें और उसे फिर इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लें। डो के एक पोर्शन को ले और बाकी सभी पोर्शंस को ढककर रख दे। इस लोई को पराठे की तरह बेल ले। शेप की चिंता ना करें क्योंकि हम बाद में इसे कटर के हेल्प से काट लेंगे। अब एक बड़ा सा ढक्कन, कटोरी या फिर कुकी कटर ले और इस पराठे को इस तरह काट ले। हमारे मोमो के रैपर्स बिल्कुल तैयार है। इसी तरह हम बाकी के रैपर्स भी बना लेंगे। अब हम एक रैपर लेंगे और उसमें तैयार मोमो की स्टफिंग भरेंगे।
एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले और रैपर के किनारों पर अच्छे से लगा दे। मोमो को इस तरह से सील करें। अब मोमो के दोनों एंड्स को ले और थोड़ा सा पानी लगाकर फिर से सील करें। मोमो का ये शेप बहुत ही आसानी से बन जाता है और दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है, और सबसे बड़ी बात, इसमें प्लीट्स देने की झंझट नहीं होती। चलिए मैं आपको दोबारा से एक मोमो बनाकर दिखाती हूँ। हमने किनारों को सील कर लिया, अब दोनों एंड्स पे थोड़ा सा पानी लगाकर जॉइन कर ले। एक पैन में तेल गरम करें और तैयार मोमोज को लो फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक तलें। अगर आप इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो बाहर से तो ये सिक जाएंगे पर अंदर से कच्चे रहेंगे। जैसे ही मोमोज एक तरफ से फ्राई हो जाए तो इन्हें हल्के हाथों से पलट दें। आप अगर चाहें तो इन मोमोज को पहले स्टीम करके फिर इन्हें पैन फ्राई भी कर सकते हैं। हमारे मोमोज में बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है, अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारे फ्राइड मोमोज बिल्कुल तैयार है। आप इन्हें मोमो सॉस के साथ सर्व करें, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है। ये मोमोज बहुत ही क्रिस्पी और मजेदार बनते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें।